गाइस, आज हम बनाएंगे घी रोस्ट चिकन। अगर आप स्पाइसी चिकन खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए फटाफट बनाते हैं घी रोस्ट चिकन। घी रोस्ट चिकन बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चिकन के लेग पीसेस में इस तरह से आपने कट लगा लेने हैं। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम विद बोन चिकन लिया है और सभी लेग पीसेस में ऐसे कट लगाने से मैरिनेशन बहुत अच्छे से होता है। मैरिनेशन के लिए आपको लेना है यहाँ पर 200 ग्राम दही, जिसमें आप ऐड करिए आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच नमक। इसे अच्छे से विस्क करेंगे और एक स्मूथ मिक्सचर बनाएंगे। अब हम इसी मिक्सचर में चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स करिए इसी मिक्सचर में, ताकि मिर्च मसालों के फ्लेवर हमारे चिकन में अच्छे से आ सके। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए कवर करके अलग रख देंगे। और इसी दौरान हम चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए सबसे पहले आपको खड़े मसालों को रोस्ट करना है। इसके लिए आप लें 8 से 10 सूखी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ। अब सभी मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। याद रहे, हमें इन्हें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम इन्हें ग्रेवी में भी कुक करेंगे। अगर हम इसे अभी ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो हमारी ग्रेवी में एक कड़वा फ्लेवर आएगा। अब आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें, पर उससे पहले इसमें आप ऐड करेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 गार्लिक और आधा कप इमली का पानी। इसे हम ग्राइंड करेंगे और एक दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। अब तैयार करेंगे चिकन का तड़का। इसके लिए आपको लेना है 1 पैन में 2 चम्मच देसी घी, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 बोल फाइनली चॉप्ड प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। प्याज को हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि प्याज जल ना जाए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ सके। देखिए, प्याज में बहुत ही सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। प्याज भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे भी हम 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से हमारी ग्रेवी में बहुत ही सुंदर कलर आएगा। इसे सॉटे करने के बाद इसमें डालिए अपना ग्राइंड किया हुआ मसालों का पेस्ट। इसे आप तेल अलग होने तक मीडियम फ्लेम पर ही कुक करिए और बीच बीच में हिलाते रहिए ताकि मसाले जल ना जाएं। ग्राइंड किया हुआ मसालों का पेस्ट बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा। अगर आप खाने में कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च का यूज़ कम करिएगा। मसालों को आपने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा भूनना है, क्योंकि आप इसे चिकन के साथ भी कुक करेंगे। अगर अभी आप इसे ज़्यादा कुक कर देंगे तो आपके चिकन में एक कड़वा फ्लेवर आएगा। मसाले थोड़ा सा भून चुके हैं, चिकन को मैरिनेट किए हुए भी आधा घंटा हो चुका है। तो अब आप मसालों में ऐड करिए चिकन। घी रोस्ट चिकन ऑलमोस्ट ड्राई चिकन रेसिपी है। अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो बचा हुआ मैरिनेटेड मिक्सचर भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। चिकन को अब यहाँ पर हम 25 से 30 मिनट की कुकिंग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम पर कुक करते रहें और बीच बीच में इसे हल्के हाथ से हिलाते रहें। आपको चिकन को हाई टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, मतलब पहले 5 से 7 मिनट के लिए आपको चिकन को हिलाते हुए हाई फ्लेम पर कुक करना है और बाकी का टाइम आपको इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और बीच बीच में इसे हिलाते रहना है। आपको कब पता चलेगा कि चिकन कुक हो चुका है? जब चिकन का फ्लैश उसकी बोन से अलग होने लगेगा तो इसका मतलब है कि चिकन कुक हो चुका है। चिकन का फ्लैश जब बोन से अलग होने लगे तब आपको चिकन को बहुत प्यार से हल्के हाथ से मिक्स करना है, ताकि चिकन का फ्लैश अलग होकर ग्रेवी में ना घुल जाए। इससे डिश के टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपका चिकन सर्व करते वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें ऐड करिए थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच गुड़। इसे भी अच्छे से मिक्स करिए और कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने दीजिए। गाइस, देखिए, चिकन से फ्लैश अलग हो चुका है, चिकन पक चुका है, बहुत ही सुंदर कलर आया है ग्रेवी में।
चिकन घी रोस्ट एक बहुत ही डिलीशियस और क्विक रेसिपी है। इसे हम गार्निश करेंगे करी लीव्स के साथ और इसी के साथ हमारा घी रोस्ट चिकन सर्व करने के लिए तैयार है। आई होप आप ज़रूर ट्राई करेंगे ये रेसिपी एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।